दुनिया में दोस्तों अक्सर ज़्यादातर लोग बात करते हैं बिलियनर्स के बारे में, और गौर से लोग ये बात देखना चाहते हैं कि आखिर किन सिटीज़ में या फिर किन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स लोग बसे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक मेन टॉपिक बन सकता है कि आखिर किन देशों में सबसे ज़्यादा आपको मिलियनर्स देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों चाहे कोई देश कितना भी ज़्यादा डेवलप और कितना भी ज़्यादा रिच क्यों ना हो, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10, 100 या फिर 500 बिलियनर्स ही बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई देश बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट के मामले में आगे निकल जाए तो वहाँ पर मिलियनर्स की गिनती भी मिलियंस में हो सकती है, और उस देश के सभी लोग सही में काफ़ी अमीर बन सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम दुनिया की 10 ऐसी कंट्रीज के बारे में आपको बताने वाले हैं जहां पर मिलियनर्स की गिनती सबसे ज़्यादा हाई लेवल की, सबसे ज़्यादा हाई नंबर्स की आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहना, वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल की होने वाली है। वैसे इंडिया में तो दोस्तों मिलियनेयर का मतलब होता है सिर्फ 10 लाख रुपए, लेकिन ज़्यादातर जो पूरे वर्ल्ड में मिलियनेयर वर्ड यूज़ किया जाता है वो USD के हिसाब से यूज़ किया जाता है, यानी आपके पास 10 लाख US डॉलर हो, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से आज के दिन तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए बनते हैं। यानी अगर कोई मिलियनेयर होगा तो उसके पास 7.5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होगी। नंबर 10 पर नाम आता है स्पेन का। ये यूरोप की शानदार कंट्री है, यहाँ पर बिलियनर्स तो आपको अच्छे खासे देखने को मिले जाएंगे, लेकिन कमाल बात ये है कि बड़ा ही अमीर देश होने के चलते दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे खासे मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन स्पेन की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 4.75 करोड़ लोगों के आसपास, और इसमें से आपको 11,46,911 लोग मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इस पॉपुलेशन में दोस्तों काफ़ी सारे चिल्ड्रंस भी होंगे जिनकी एज अभी 5 साल या फिर 2 साल या 10 साल होने वाली है। इसलिए सबसे कमाल का कंसेप्ट ये है कि अगर हम मिलियनर्स की परसेंटेज निकालें सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन में से, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पॉपुलेशन में से, एडल्ट पॉपुलेशन में से जो परसेंटेज निकली है मिलियनर्स की वो है 3.0%। और पूरी दुनिया में आज के दिन जितने भी आपको मिलियनर्स देखने को मिलने वाले हैं उनका 2.12% हिस्सा तो स्पेन में है। नंबर 9 की कंट्री की अगर हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों इटली का। एक और शानदार यूरोपियन कंट्री हमारी लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है। आज के दिन 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इटली की पॉपुलेशन है दोस्तों तकरीबन 5.97 करोड़ के आसपास, जिसमें आपको तकरीबन 14,79,830 मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। और इस हिसाब से इटली की टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में से दोस्तों 3.12% लोग आपको इस लिस्ट में आते हुए नज़र आ जाएंगे। तो वहीं यहां पर पूरे ग्लोबल मिलियनर शेयर्स का ये बनता है दोस्तों तकरीबन 2.62%। नंबर 8 की कंट्री की बात करें तो नाम आता है कनाडा का, जो कि नॉर्थ अमेरिका में बसा हुआ बेहद ही ज़्यादा कमाल का और बेहद ही ज़्यादा ठंडा देश है कनाडा की। दोस्तों वैसे आज के दिन टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये है तकरीबन 3.80 करोड़ लोगों की, लेकिन इसमें ही आपको तकरीबन 16,81,969 मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर एडल्ट पॉपुलेशन में देखें तो ये हिस्सा बन जाता है 5.6%। यानी कनाडा में आज के दिन जितने भी आपको एडल्ट घूमते हुए नज़र आ जाएंगे, हर 100 एडल्ट के पीछे आपको 6 लोग तो दोस्तों मिलियनर्स कनाडा में नज़र आ ही जाएंगे। और यहाँ के मिलियनर्स का अगर ग्लोबल शेयर देखें तो वो बनता है दोस्तों तकरीबन 3.0%। बात अगर नंबर 7 की कंट्री की करें तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का ये देश डेवलपमेंट के मामले में, हाइएस्ट वेज के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है दोस्तों। ये देश सही में बड़ा ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में आज के दिन 2.58 करोड़ लोग बसे हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें से 18,04,644 तो मिलियनर्स हैं। और इसमें सबसे कमाल का आंकड़ा तो दोस्तों ये है कि यहाँ पर जितने भी एडल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उनमें से 9.4% लोग मिलियनर्स हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में हर 100 लोगों के पीछे 10 लोग मिलियनर्स आपको नज़र आ जाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों अगर ग्लोबल मिलियनर शेयर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया होल्ड करता है 3.22% हिस्से को।
नंबर 6 की कंट्री की अगर दोस्तों हम बात करें तो नाम आता है फ्रांस का, एक और शानदार यूरोपियन कंट्री इस लिस्ट में जगह बना चुकी है। आज के दिन दोस्तों फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन 6 करोड़ और 77 लाख के आसपास है, जिसमें आपको 24,68,939 मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। और इस हिसाब से फ्रांस के दोस्तों टोटल एडल्ट्स में आपको 4.92% लोग मिलियनर्स नज़र आ जाएंगे। वहीं अगर हम दोस्तों फ्रांस के टोटल वर्ल्ड लेवल पर देखें तो दोस्तों पूरी दुनिया के तकरीबन 4.42% मिलियनर्स तो आपको इस अकेले देश में ही रहते हुए नज़र आ जाएंगे। बात आगे बढ़ते हुए नंबर 5 की करें तो नाम आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का। इसमें दोस्तों चारों देशों को इंक्लूड किया गया है, चाहे बात इंग्लैंड की हो, स्कॉटलैंड की हो, नॉर्थन आयरलैंड की हो या फिर वेल्स की ही क्यों ना हो। आज के दिन यूके की टोटल पॉपुलेशन 6,80,00,000 को भी दोस्तों पार कर चुकी है और इस पॉपुलेशन में आपको 24,90,952 मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। और रिपोर्ट के अनुसार जितने भी एडल्ट्स घूमते हुए आपको यूके में नज़र आएंगे उनमें से 4.72% लोग पूरी तरह से मिलियनर आज के दिन बन चुके हैं। और पूरी दुनिया के लगभग 4.47% मिलियनर्स आपको यूके में ही देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4 की कंट्री की अगर दोस्तों हम बात करें तो नाम आता है जर्मनी का। बहुत सारे लोगों को अभी तक इंतज़ार ही रहा होगा कि यूरोप की काफ़ी कंट्रीज आ चुकी हैं लेकिन असली शान इकॉनमी पावर अभी तक क्यों नहीं आई। 2020 की लास्ट रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की दोस्तों टोटल पॉपुलेशन है 8,32,00,000 के आसपास और इस बड़ी आबादी में आपको 29,52,710 मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ की टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का 4.33% हिस्सा लोग मिलियनर्स ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया के 5.33% अमीर आपको सिर्फ जर्मनी में ही देखने को मिलेंगे। बात अगर नंबर 3 की कंट्री की करें तो नाम आता है दोस्तों जापान का। आज के दिन ये एशिया की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा रिच कंट्री है। ईस्ट एशिया के इस देश की वैसे आज के दिन टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों 12,53,00,000 के आसपास और इस बड़ी पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलेंगे 36,62,407 मिलियनर्स। और जापान की टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का 3.57% हिस्सा मिलियनर बन चुका है। तो वहीं पूरे वर्ल्ड के 6.52% मिलियनर लोग आपको सिर्फ अकेले जापान में ही देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से दोस्तों इस रेटिंग के साथ जापान आज के दिन दुनिया का तीसरा ऐसा देश बनता है जहां पर सबसे ज़्यादा मिलियनर्स हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 2 की कंट्री की अगर हम बात करें तो नाम आता है दोस्तों चाइना का। एशिया की ये शानदार कंट्री दोस्तों पिछले 10 से 15 सालों में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ी है, हालांकि दोस्तों ये काफ़ी बार मिस्टेक्स करती हुई भी हमें नज़र आ जाती है। आज के दिन चाइना की टोटल पॉपुलेशन 141,11,00,000 को भी पार कर चुकी है और इस टोटल आबादी में आपको 52,79,467 मिलियनर्स देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ की टोटल एडल्ट पॉपुलेशन का ये बनता है सिर्फ 0.5% हिस्सा। तो वहीं पूरे वर्ल्ड के दोस्तों हमें 9.4% मिलियनर्स तो अकेले चाइना में ही नज़र आ जाएंगे। बात आगे बढ़ते हुए नंबर 1 की कंट्री की करें तो बहुत सारे लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, ये है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज के दिन दोस्तों पूरे अमेरिका में हमें देखने को मिलती है 33,17,00,000 लोगों की आबादी, जिसमें हमें देखने को मिल जाएंगे 2,19,51,202 मिलियनर्स। आंकड़ा दोस्तों ये सही में बहुत ही बड़ा है कि अकेले अमेरिका में हमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा मिलियनर्स लोग देखने को मिल जाएंगे, जिसका बहुत बड़ा कारण है टेक जायंट कंपनीज का होना और साथ ही दोस्तों अमेरिकन्स लोग शेयर्स में पैसा होल्ड करना भी बेहद ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अमेरिका की आज के दिन 8.82% एडल्ट पॉपुलेशन आपको मिलियनर देखने को मिल जाएगी और पूरी दुनिया में जितने भी मिलियनर्स हैं उनमें से 39.12% मिलियनर्स अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। और इस आंकड़े के साथ ही दोस्तों अमेरिका पूरी दुनिया का नंबर 1 ऐसा देश बनता है जहां पर मिलियनर्स की गिनती सबसे ज़्यादा है।
बहुत सारे लोग अगर अपने देश इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे 138 करोड़ की भारत की आबादी में से सिर्फ 6,97,000 और 656 लोग ही आज के दिन मिलियनेयर्स हमें देखने को मिलते हैं ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। और हमारी टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में दोस्तों हमें सिर्फ 0.1% लोग ही मिलियनेयर्स देखने को मिलेंगे, और टोटल दुनिया में जितने भी मिलियनेयर्स हैं उनमें से सिर्फ 1.21% हिस्सा ही इंडिया में रहता है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कि आपको लगता है कि आने वाले समय में इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बना सकता है? वैसे इंडिया को दोस्तों टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 में ही अपनी जगह बनानी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो यहाँ कम से कम 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ लोग तो मिलियनेयर होने ही चाहिए। आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली आएंगी, तो दोस्तों आपका खुद का ही चैनल है, अभी सब्सक्राइब कीजिए।